हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका सिंह एज़ यू ऑल नो एंड दिस इज़ माय चैनल स्टेबलेस। सो बहुत दिनों के बाद मैं कोई वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। कुछ चीज़ें हो गई थी, मेरी बिजी शेड्यूल चल रहा था। एक्चुअली मैं पढ़ाई भी कर रही थी और जॉब भी था, तो टाइम मैनेज नहीं कर पा रही थी मैं। दैट्स वाई वीडियो पोस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो मैं काफ़ी दिनों के बाद आई हूँ, तो सोचा थोड़ा आप लोगों से मैं बात कर लेती हूँ। तो जनरली जो हम देख रहे हैं, कोविड का सिचुएशन है, फिर से कोविड-19 फैल रहा है हर जगह। बहुत ज़्यादा ही कोविड सिनेरियो बहुत ही फैल रहा है, सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा दिन पर दिन ख़राब होते जा रहा है। तो मेरे आप लोगों से यही गुजारिश है, प्लीज़ डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, मास्क यूज़ कीजिए, घर पे रहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो जॉब करते हैं, उनको बाहर जाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वैसे लोग अगर बाहर जा रहे हैं तो प्लीज़ मास्क लीजिए, N95 का मास्क पहनिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों के साथ डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। अगर किसी से बात करनी पड़ रही है तो मास्क पहन के ही बात कीजिए। और अगर किसी को कोविड हो भी रहा है तो प्लीज़ स्ट्रेस मत होइएगा, स्ट्रेस मत लीजिएगा, क्योंकि हम जितना स्ट्रेस लेंगे हमारी इम्यून सिस्टम उतना ही वीक होते जाता है। तो जितना हो सके स्ट्रेस कम लीजिए, खुद को मेंटेन करने का कोशिश कीजिए कि मैं स्ट्रेस ना लूँ। अपने आप को ये थेरेपी सेशन खुद दीजिए कि मैं कम स्ट्रेस लूँगा, सिचुएशन नॉर्मल हो सकती है, काफ़ी लोग रिकवर हो रहे हैं, मैं भी रिकवर हो सकता हूँ, तो मुझे स्ट्रेस नहीं लेना है। और अगर आपके घर में कोई कोविड पॉजिटिव है तो प्लीज़ उसे भी हैप्पी एनवायरनमेंट उसके लिए बना के रखिए, उसे भी सेशन दीजिए, उसकी भी काउंसलिंग कीजिए। काउंसलिंग आपको ही करना है और कोई मुश्किल बात नहीं है, काफ़ी ईजी है। बस आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, जितना हो सके हेल्दी डाइट मेंटेन कीजिए। इस सिचुएशन में हम जितना हेल्दी डाइट खाएंगे हमारे इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रांग रहेगा, और हम वायरस से उतना जल्दी हमारा इम्यून सिस्टम लड़ने के लिए सही रहेगा। तो हेल्दी डाइट मेंटेन कीजिए, रेगुलर स्लीप लीजिए। जैसे कि वेदर है, समर का सीजन चल रहा है, तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, विटामिन सी की टैबलेट लेते रहिएगा। जब आप वो लेंगे वो स्किन के लिए भी अच्छा है और कोविड के लिए भी काफ़ी सही है। तो ये सारे चीज़ें मेंटेन कीजिए, सही से रहिए, घर पे रहिए, मास्क पहनिए, अपना भी ख्याल रखिए और अपने घर वालों का भी ख्याल रखिए। धन्यवाद।